चलिए, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना, आप लोग एक बार बता दीजिए। क्लियर यस मैम। चलिए, आज हम पढ़ेंगे महर्षि अरविंद घोष जी का जीवन परिचय। महर्षि अरविंद जी एक योगी होने के साथ साथ कवि, लेखक, आध्यात्मिक गुरु एवं एक अच्छे दार्शनिक होने के साथ साथ इन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना योगदान दिया था। ठीक है, महर्षि अरविंद घोष जी, इनका जन्म 15 अगस्त 1872 ईस्वी में हुआ था। महर्षि अरविंद घोष जी का जन्म 15 अगस्त 1872 ईस्वी में, 15 अगस्त से आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, स्थान कोलकाता, बंगाल। ठीक है, इनके पिता का नाम कृष्णधन घोष, ठीक है, कृष्णधन घोष, जो कि पेशे से एक डॉक्टर थे। माता श्रीमती स्वर्णलता देवी, जो कि धार्मिक विचारों की गृहिणी थी। ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम है मृणालिनी देवी। महर्षि अरविंद घोष जी श्री अरविंद आश्रम के संस्थापक रहे हैं, और इनका जो दर्शन था वो इंटीग्रल योग, पूर्ण योग अर्थात समग्र योग पर था इनका दर्शन। ठीक है, इनकी मृत्यु 5 दिसंबर 1950 ईस्वी में पांडिचेरी में हुई थी। श्री अरविंद जी ने वंदे मातरम पत्रिका का भी प्रकाशन किया। कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया? वंदे मातरम पत्रिका का प्रकाशन किया। महर्षि अरविंद जी के अनुसार योग की परिभाषा दी गई स्वयं से जुड़ना। ठीक है, स्वयं से जुड़ना ही योग है, अर्थात स्वयं को जानना, अपने आप को जानना, अपने से जुड़ना ही योग है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम। महर्षि अरविंद जी 5 भाई बहनों में से तीसरे नंबर पे थे। ठीक है, चलिए अब उनकी शिक्षा देख लेते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसी हुई थी। सन 1879 ईस्वी में जब अरविंद 7 वर्ष के थे, कितने वर्ष के? 7 वर्ष के थे, तभी इनके पिता अपनी पत्नी एवं बच्चों सहित इंग्लैंड चले गए थे। कहाँ चले गए थे? इंग्लैंड। कब गए थे? सन 1879 ईस्वी में। कितने वर्ष की उम्र में? तो 7 वर्ष की उम्र में, याद रखेंगे, 7 वर्ष की उम्र में वे इंग्लैंड चले गए थे। इनके पिता का क्या नाम था, आप लोग बताइए? कृष्णधन घोष डॉक्टर थे। माँ का नाम स्वर्णलता। चलिए, श्री कृष्णधन घोष जी अरविंद को शुरू से ही अंग्रेजी माध्यम एवं अंग्रेजी कल्चर में पढ़ाना चाहते थे। यानी कि जो अरविंद जी के पिताजी थे वो अरविंद को शुरू से ही इंग्लिश मीडियम में और अंग्रेजी कल्चर में पढ़ाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वे अरविंद जी को कलेक्टर बनाना चाहते थे। ठीक है, उनकी इच्छा थी कि वो कलेक्टर बने, इसलिए उनको इंग्लिश मीडियम में शुरू से ही उनकी शिक्षा दीक्षा वैसे ही करवाना चाहते थे। इंग्लैंड के प्रसिद्ध शहर मैनचेस्टर में W.H. Drewitt, ठीक है, कहाँ? मैनचेस्टर में W.H. Drewitt, जो कि कॉन्ग्रेगेशनल चर्च के पादरी थे। ठीक है, और वो कृष्णधन जी के अच्छे मित्र थे। किनके? अरविंद जी के पिताजी के अच्छे मित्र थे। कौन? W.H. Drewitt। आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, W.H. Drewitt, जो कि कॉन्ग्रेगेशनल चर्च के पादरी थे। ठीक है, इसलिए ड्रेविट की जो पत्नी थी वो अरविंद जी को घर पर ही इतिहास, भूगोल, गणित आदि विषयों के साथ साथ फ्रेंच, अंग्रेजी एवं लैटिन भाषा भी पढ़ाती थी। कौन कौन से? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, और उसके साथ साथ फ्रेंच, अंग्रेजी और लैटिन भाषा भी पढ़ाती थी। कौन पढ़ाती थी? ड्रेविट की पत्नी, ठीक है, अरविंद जी को।
श्री अरविंद जी ने अपने प्रारंभिक शिक्षा के साथ साथ शेक्सपियर शैली प्लूटो किड्स बायावल ये कौन थे प्रसिद्ध विद्वान थे कौन कौन शेक्सपियर शैली प्लूटो किड्स और बायावल इनकी रचनाओं का भी अरविंद जी ने गहनता से अध्ययन किया ठीक है चलिए अरविंद जी सन 1884 ईस्वी से 1889 ईस्वी तक सेंट पॉल स्कूल लंदन में 5 वर्ष तक अध्ययन किया ठीक है कब से कब तक 1884 से 1889 तक इस दौरान अरविंद जी ने विभिन्न प्रसिद्ध लेखकों का साहित्य एवं कविताओं का भी अध्ययन किया और फिर अरविंद जी ने प्रधानाध्यापक डॉक्टर वॉकर के नेतृत्व में ग्रीक भाषा का भी अध्ययन किया ठीक है कहाँ के प्रधानाध्यापक सेंट पॉल स्कूल लंदन के प्रधानाध्यापक थे कौन डॉक्टर वॉकर उनके नेतृत्व में कौन सी भाषा का अध्ययन किया तो ग्रीक भाषा का ठीक है चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे सन 1890 ईस्वी में अरविंद जी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के किंग्स कॉलेज लंदन में एडमिशन ले लिया ठीक है 1890 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के किंग्स कॉलेज लंदन में और उन्होंने वहां तक 2 वर्षों तक अध्ययन किया उसी समय अरविंद जी ने ICS इंपीरियल सिविल सर्विस की परीक्षा दिलाई और 11वां स्थान प्राप्त करके अपनी योग्यता को साबित कर दिखाया ठीक है ICS इंपीरियल सिविल सर्विसेज एग्जाम जो कि ब्रिटिश साम्राज्य की उच्च नागरिक सेवा का पद होता है उसके लिए उन्होंने एग्जाम दिया और उसमें 11वां स्थान प्राप्त किया अरविंद जी चाहते तो उसमें फर्स्ट रैंक भी ला सकते थे वो इतने बुद्धिमान इतने इंटेलिजेंट थे लेकिन उनको सिविल सर्विस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था ठीक है उनका इंटरेस्ट ही नहीं था कि वो कलेक्टर बने लेकिन उनके पिता की इच्छा थी इसलिए वो अपने पिता के इच्छा का मान रखने के लिए उन्होंने एग्जाम दिलाया ठीक एग्जाम दिलाने के बाद फिर एक और एग्जाम होता है एक और स्टेप पास करना होता है घुड़सवारी का उसमें वे जानबूझकर हार गए क्योंकि उनको इंटरेस्ट ही नहीं था इसमें इसलिए वो उसमें जानबूझकर हार गए और उस परीक्षा में वे अयोग्य घोषित हो गए ठीक है कौन से एग्जाम में ICS के एग्जाम चलिए अरविंद जी का भारत आगमन देख लेते हैं क्लियर है यहाँ तक आगे बढ़े मेरी आवाज आ रही मैम ये जो अभी आपने बोली थी लाइंस ये PDF में नहीं थी ना हाँ इसीलिए मैंने आप लोगों को नोट डाउन करने के लिए बोला कि 1890 ईस्वी में अरविंद जी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के किंग्स कॉलेज लंदन में एडमिशन ले लिया ठीक है आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे क्योंकि बहुत सारे मतलब कई चीजों को ऐड नहीं किया जा सकता इसमें ठीक है इसलिए मैं जो बीच बीच में बता रही हूँ उसको आप लोग ऐड करते जाइए 1820 बताया आपने किंग्स कॉलेज क्या बोल रहे हैं आपकी आवाज नहीं आ रही सॉरी मैम 1820 बताया आपने ईयर ना ना 1890 हाँ ओके 1890 में उन्होंने किंग्स कॉलेज अटेंड किया हाँ 1890 में ठीक है थैंक यू मैम ओके क्लियर है ना एडमिशन लिया थे कि हाँ कोई कुछ बोल रहे हैं पवन जी हैं क्या मैम एडमिशन लिए थे क्या शायद 1890 में हाँ एडमिशन लिए थे विद्यालय के नाम बता देंगे उस विद्यालय का कैम्ब्रिज था क्या मैम कैम्ब्रिज उसमें किंग्स कॉलेज लंदन ठीक है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ओके ठीक है आगे बढ़े यस मैम चलिए अरविंद जी का भारत आगमन हम देखते हैं किस तरीके से वो भारत आए क्योंकि उनका तो कलेक्टर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था ठीक है ICS के एग्जाम में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था फिर वो बड़ौदा के महाराज जो है
सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय, ठीक है, ये महाराज सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय, ये उस समय लंदन गए हुए थे और उन्होंने अरविंद जी से मुलाकात की और इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बड़ौदा रियासत की सेवा के लिए अरविंद जी को चयन कर लिया। ठीक है, बड़ौदा गुजरात के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय ने, ठीक है, अरविंद जी से वो मिले और अरविंद जी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बड़ौदा रियासत की सेवा के लिए उनको चयन कर लिया। देश सेवा के उद्देश्य से 14 वर्ष तक वह इंग्लैंड में रहकर फिर 1893 ईस्वी में वे भारत लौटे। ठीक है, ये इसमें ऐड नहीं है, आप लोग ऐड कर लेंगे, लिख लेंगे, नोट डाउन करें, 1893 में वो भारत आए। भारत आने के पश्चात बड़ौदा में अनेक सरकारी पदों पर उन्होंने कार्य किया और कार्य करने के पश्चात बड़ौदा कॉलेज जो कि अब महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के नाम से जाना जाता है, वहां फ्रांसीसी भाषा के प्रोफेसर बन गए। मैम वो भारत कब आए एक बार फिर से बता दीजिए। 1893 में। उसके बाद क्या काम है मैम ने? 1893 में वो भारत आए और उन्होंने अनेक सरकारी पदों पर कार्य किया और कार्य करने के बाद फिर वो बड़ौदा कॉलेज, ठीक है, जो कि अब महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के नाम से जाना जाता है, वहां वे फ्रांसीसी भाषा के प्रोफेसर बन गए। कौन से भाषा के? फ्रांसीसी। फ्रांसीसी, बहुत बढ़िया। मैम फ्रेंच होगा कि फ्रांसीसी होगा? फ्रांसीसी, फ्रेंच दोनों एक ही है। चलिए, कॉलेज में अच्छे आचरण एवं योग्यता के आधार पर अरविंद जी को कुछ समय बाद वाइस प्रिंसिपल बना दिया गया। ठीक है, अरविंद जी को कुछ समय के बाद वाइस प्रिंसिपल बना दिया गया। किसके आधार पर? उनके अच्छे आचरण और योग्यता के आधार पर। अरविंद जी यहाँ बंगाली और हिंदी भाषा के साथ साथ भारतीय धर्म एवं संस्कृति के अध्ययन में मग्न रहने लगे। बड़ौदा में ही रहते हुए ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सक्रिय रूप से वे आवाज उठाने लगे। ठीक है, जिसके चलते उन्हें 18 जून 1906 को अरविंद जी ने कॉलेज के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, क्यों इस्तीफा दे दिया? क्योंकि वे ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति खिलाफ जो है आवाज उठाने लगे, आवाज उठाने लगी तो उनका भी विरोध होने लगा और इसलिए वो 18 जून 1906 को अरविंद जी ने कॉलेज के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, इसके बाद बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन एवं मध्य प्रदेश के आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन्होंने और इसी दौरान उनकी भेंट लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक व बहन निवेदिता से हुई। ठीक है, ये वही बहन निवेदिता है जो कि स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या है, शिष्या थी। ठीक, और लोकमान्य तिलक जिन्होंने स्वराज के नारा को आगे बढ़ाया था, है ना। स्वराज शब्द सबसे पहले किसने दिया था बताया आप लोग? दयानंद सरस्वती जी ने। हाँ, फिर उसे आगे किसने बढ़ाया? लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक जी ने। चलिए, अब हम स्वामी जी का विवाह देख लेते हैं। सन 1901 ईस्वी में 28 वर्ष की उम्र में अरविंद जी का विवाह रांची बिहार के निवासी श्री गोपाल चंद्र बोस की बेटी मृणालिनी देवी से हो गया था। ठीक है, कितने वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ? 28 वर्ष की आयु में। किनके साथ? मृणालिनी देवी के साथ। कहाँ की थी? बिहार। उनके पिता का नाम श्री गोपाल चंद्र बोस। ठीक है, फिर 1928 ईस्वी में पांडिचेरी में इन्फ्लुएंजा महामारी से, कौन सी महामारी? इन्फ्लुएंजा,
महामारी से मृणालिनी देवी जी का देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। इसके बाद अरविंद जी पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त होकर गहन योग साधना के लिए अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार किया। ठीक है, 1928 में पांडिचेरी में उनकी जो पत्नी थी मृणालिनी देवी, उनका इन्फ्लुएंजा की महामारी से देहांत हो गया। उसके बाद वे पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए और योग साधना के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वयं को उन्होंने तैयार किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरविंद जी का राजनीतिक जीवन देख लेते हैं। सभी को क्लियर है ना? ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है? थोड़ा सा स्लो, लास्ट वाला समझ नहीं आया, एक बार दोबारा बता दें। ये 1928 में यही समझे नीचे अरविंद ने पारिवारिक, हाँ देखिए उनके वाइफ की मृत्यु के बाद, ठीक है, वो अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए, यानी परिवार के प्रति उनकी जो जिम्मेदारियां थी वो उनसे मुक्त हो गए। ठीक है, यानी कि उन्होंने एक प्रकार से कह सकते हैं कि अपने गृह को त्याग दिया और योग साधना के लिए स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से उन्होंने तैयार किया। ठीक है, फिजिकली एंड मेंटली रूप से वो प्रिपेयर हुए योग साधना के लिए। अभी उन्होंने योग साधना के क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया था, ठीक है, और वे अपने आप को तैयार कर रहे थे। क्लियर है? चलिए अरविंद जी का राजनीतिक जीवन देखते हैं। कॉलेज से त्याग पत्र देने के बाद अरविंद जी देश के राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने लग गए थे। ठीक है, वो उसी समय से ही उन्होंने, जब वे कॉलेज में प्रोफेसर थे, प्रिंसिपल के पद पर थे, उसके बाद फिर उन्होंने ब्रिटिशों का विरोध करना शुरू किया और फिर जब उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया उसके बाद वे राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे, यानी प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर विरोध करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, फिर सन 1906 ईस्वी में अरविंद जी दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में भारतीय आंदोलनों में भाग लेने लग गए थे। किसके नेतृत्व में? दादा भाई नौरोजी, ठीक है, जो कि अर्थशास्त्र के बहुत ही जाने माने वो वेत्ता थे, अर्थशास्त्र वेत्ता उनको बोल सकते हैं। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को ये आप लोग याद रखेंगे, सन 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी से मिले और उनके नेतृत्व में भारतीय आंदोलनों में भाग लेने लगे लग गए। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए। चलिए, क्या बताया आपने अर्थशास्त्र को? क्या जी मैम? दादा भाई नौरोजी के बारे में और कुछ बताया? हाँ, वो क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्री थे, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री दादा भाई नौरोजी। ठीक है, जियोलॉजिस्ट? हाँ जी, इकोनॉमिक्स। हाँ, सन 1907 से 1908 ईस्वी में अरविंद जी ने बाल गंगाधर तिलक के साथ, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के साथ भारत के अनेक राज्यों की यात्राएं की। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी के साथ, और भारत की वास्तविक स्थिति से वे परिचित हुए। कब? 1907-08 में। 8 मई, ये आप लोग नोट कर लेंगे, 8 मई 1908 ईस्वी को अलीपुर बम कांड के सिलसिले में अरविंद जी एवं उनके साथियों को कोलकाता में एक बाग में गिरफ्तार कर लिया गया। एक बम कांड हुआ, अलीपुर बम कांड, कब हुआ? 8 मई 1908 ईस्वी को। उसमें अरविंद जी को और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अरविंद जी ने इस घटना का वर्णन अपने एक पत्र कारा कहानी में किया है। किस जगह पे मैम? 8 मई 1908 ईस्वी को किस जगह पे बम कांड हुआ था? अलीपुर में। ठीक है, अलीपुर में 1908 ईस्वी में, 8 मई 1908 ईस्वी को अलीपुर बम कांड हुआ था। उसमें अरविंद जी और उनके साथियों को कहां गिरफ्तार किया गया? कोलकाता में। और इस घटना का वर्णन कौन से पत्र में मिलता है? तो कारा कहानी, ठीक है, जो कि अरविंद जी की ही है, कारा कहानी। जेल में रहते हुए अरविंद जी ने कर्म योगिनी
कर्म योगिनी अंग्रेजी भाषा और धर्म बंगाली भाषा में दो पुस्तकों का लेखन कार्य किया। ठीक है, कर्म योगिनी को अंग्रेजी भाषा में लिखा और धर्म को बंगाली भाषा में लिखा। ठीक है, ये दोनों उनके बुक के नाम है, कर्म योगिनी और दूसरा है धर्म। कर्म योगिनी जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है और धर्म जो कि बंगाली लैंग्वेज में है। ठीक है, इसके अलावा बांग्ला पत्रिका सुप्रभात में भी कई लेख लिखे हैं। ठीक है, सॉरी मैम, बीच में आपने वो मैम आपने बताया था कि पब्लिश हाउस कौन सा बताया था आपने? पब्लिश हाउस कौन सा बोल रहे हैं? बम की जो अलीपुर में जो बम कांड था जहाँ पे अरविंद जी और उनके साथियों को पकड़ा गया था कोलकाता में। कारा को लिख सकते हैं प्लीज मैसेज में? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, मुझे ही नहीं आ रही है क्या? सॉरी, अभी ठीक है? हाँ, अब बोलिए। ओके, मेरे को पब्लिश हाउस का नाम नहीं समझ आया, कोई मैसेज में लिख सकता है प्लीज? कारा कहानी, ठीक है, मिल गया। हाँ, कारा कहानी। हाँ, कारा कहानी, ठीक है, धन्यवाद। ओके, वेलकम। चलिए, दो आपको और ये कारा कहानी था, ठीक है, और उसके बाद जेल में रहते हुए लिखा इन्होंने कर्म योगिनी। ये कर्म योगिनी जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है, और ये एक है धर्म जो कि बंगाली भाषा में है। इसके अतिरिक्त इन्होंने लिखा सुप्रभात, ये भी एक पत्रिका है। ठीक है मैम, इसमें सिर्फ जो कर्म योगिनी है वो सिर्फ जेल में लिखा? हाँ, कर्म योगिनी और धर्म दोनों को ही। मैम, सुप्रभात में वो राइटिंग्स भेजे थे ना, सुप्रभात को ही वो किए थे ओरिजिनेटेड? हाँ, बांग्ला पत्रिका सुप्रभात को। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, इनके साधना एवं निर्माण के उसमें आते हैं। अरविंद जी अपने क्रांतिकारी लेख एवं पत्रिकाओं के माध्यम से अंग्रेजों के विरुद्ध नव युवकों में नए दृष्टिकोण के साथ साथ जोश भरते रहते थे। ठीक है, वो युवाओं को प्रेरित करते थे कि वो अपने आजादी की लड़ाई के लिए कार्य करें। ठीक है, उसके बाद राजनीतिक जीवन के बाद अरविंद जी के जीवन में बदलाव कब आया? जब वे अलीपुर जेल में थे। ठीक, तब उनके जीवन में बदलाव आया और जेल में अरविंद जी ने योगाभ्यास, आत्मचिंतन, गीता, उपनिषद, वेद आदि का अध्ययन एवं चिंतन में निरंतर करते रहते थे। मतलब जब वो जेल में थे ना, तब उनको आभास हुआ कि अब मुझे ये सारी चीजें छोड़कर साधना के क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, ये उनको अनुभव हुआ। तो जब वो जेल में थे तब वो योगाभ्यास करते थे, आत्मचिंतन, गीता, उपनिषद, इन सभी वेदों का भी उन्होंने अध्ययन किया। ठीक है, फिर सन 1910 ईस्वी के बाद अरविंद जी राजनीतिक गतिविधियों से दूर कोलकाता से 30 किलोमीटर दूर मोतीलाल राय हाउस चंदन नगर में रहने के लिए चले गए। कब? सन 1910 में। ठीक है, 1910 में राजनीतिक से उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया, यानी कि राजनीति को त्याग किया और फिर कोलकाता से 30 किलोमीटर दूर मोतीलाल राय हाउस चंदन नगर में वो रहने लगे थे। फिर 4 अप्रैल 1910 ईस्वी को श्री अरविंद जी कोलकाता चंद्रनगर को छोड़। हाँ जी, जगह का क्या नाम बताया आपने भी? मोतीलाल राय हाउस चंदन नगर। ठीक है, चंदन नगर में। मैम ये फिर से रिपीट कर देंगे आप जो भी बोल। 1910 ईस्वी को अरविंद जी ने राजनीतिक गतिविधियों से दूर, यानी राजनीति को छोड़कर, त्याग कर, कोलकाता से 30 किलोमीटर दूर मोतीलाल राय हाउस चंदन
चंदन नगर में रहने के लिए चले गए। चंदन नगर या चंद्रनगर दोनों एक ही है। फिर 4 अप्रैल 1910 ईस्वी को वो कोलकाता को भी छोड़कर कहाँ चले गए? पांडिचेरी पहुंच गए। और पांडिचेरी में श्री अरविंद जी ने आश्रम का, ठीक है, निर्माण किया। श्री अरविंद आश्रम नाम से जाना जाता है। और ध्यान योग साधना में वो लीन रहने लगे। अब वे राजनीति से पूरी तरीके से दूर हो चुके थे, ठीक है, और वे अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे। तो उन्होंने पांडिचेरी में आश्रम स्थापित किया जो कि अरविंद आश्रम के नाम से ही जाना जाता है। और वहां वे ध्यान योग साधना में लीन रहने लगे। मैम, ये आश्रम की स्थापना कब हुई, इसका कुछ है डेट? आश्रम की स्थापना मैंने पहले तो बताया, अरविंद आश्रम की स्थापना प्रारंभ में आई थी ना, ये लाइन 1910 ही है शायद। ठीक है, एग्जैक्ट डेट नहीं दिया गया है। चलिए, अरविंद जी 1914 ईस्वी तक आश्रम में नियमित योग प्राणायाम का अभ्यास स्वामी ब्रह्मानंद जी के शिष्य बाबा जी देवधर इंजीनियर के सानिध्य में करते थे। ठीक है, स्वामी ब्रह्मानंद जी के शिष्य थे बाबा जी देवधर इंजीनियर, उनके सानिध्य में रहकर वो योग प्राणायाम का अभ्यास किया करते थे। किसके सानिध्य में बताइए आप लोग? स्वामी ब्रह्मानंद जी के शिष्य जो थे बाबा जी देवधर, जिसे इंजीनियर नाम के प्रसिद्ध थे, उनके सानिध्य में रहकर। बहुत बढ़िया। अरविंद जी ने सन 1914 ईस्वी के बाद दर्शन पर मासिक पत्रिका आर्य शुरू की थी। ठीक है, 1914 ईस्वी के बाद दर्शन पर, किस पर? दर्शन पर मासिक पत्रिका आर्य शुरू की थी। सन 1926 ईस्वी से 1938 तक पूरे 12 वर्ष श्री अरविंद जी गहरी मौन साधना एवं ध्यान में लीन रहे। ठीक है, इसके बाद 1938 से 1950 ईस्वी तक मौन साधना का दूसरा चरण भी श्री अरविंद जी का 12 वर्ष का रहा। ठीक है, क्या हुआ, 1926 से 1938 तक वो पूरे 12 वर्ष तक गहरी मौन साधना एवं ध्यान में लीन रहे। कौन? अरविंद जी। इसके बाद 1938 से 1950 ईस्वी तक मौन साधना का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ, वो भी 12 वर्ष का रहा। पहले तो मौन साधना और साथ साथ ध्यान में लीन रहे, फिर केवल मौन साधना का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ जिसमें वो मौन रहते थे और केवल दो लोगों से ही बात करते थे, वो सेवक चंपक लाल और श्री माँ। ठीक है, बात नहीं, वो उनसे मिल सकते थे और बाकी सभी का प्रवेश वर्जित था। ठीक है, 1926 से 1938 में कितने वर्ष? 12 वर्ष गहरी मौन साधना एवं ध्यान में लीन रहे। फिर 1938 से 1950 ईस्वी तक मौन साधना का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ, वो भी 12 वर्ष तक रहा। और इस दौरान किसी कोई भी स्वामी जी से नहीं मिल सकता था, सभी का, जिस कमरे में वो मौन साधना कर रहे थे उस कमरे में सभी का प्रवेश वर्जित था, केवल दो लोग ही मिल सकते थे, एक तो उनका सेवक था चंपक लाल और दूसरा श्री माँ थी जो कि मीर अल्फस्सा के नाम से जानी जाती है और वो स्वामी जी की ही, महर्षि जी की ही शिष्य थी। ठीक है, शिष्य थी, आगे हम उनका देखेंगे। मैम, लास्ट वाले रिपीट कर दीजिए तो, श्री अल्फस्सा। हाँ, देखिए क्या हुआ, जब वो मौन साधना कर रहे थे और ध्यान में लीन थे, है ना, तो जब मौन साधना का दूसरा चरण स्टार्ट हुआ तब क्या हुआ कि किसी को, कोई भी व्यक्ति स्वामी जी से नहीं मिल सकता था, केवल दो के अलावा, एक था चंपक लाल और दूसरा श्री माँ। ठीक है, श्री माँ का ही नाम मीर अल्फस्सा है जो कि अरविंद जी की ही शिष्य थी। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि वो कहाँ से आई थी, ठीक है, कब उनका जन्म हुआ था, ये हम आगे देखेंगे। क्लियर है? यस मैम।
सभी जागते रहें क्योंकि ये समय थोड़ा सा नींद आने का ही समय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महर्षि अरविंद जी का यह विश्वास था कि सांसारिक दुख का निवारण केवल आत्मा के विकास से ही हो सकता है। ठीक है, महर्षि जी का क्या विश्वास था कि सांसारिक दुख का निवारण केवल आत्मा के विकास से ही हो सकता है। श्री अरविंद जी की आध्यात्मिक साधना दिनों दिन गहरी होती जा रही थी। जब वे साधना करने लगे ना तो उनकी जो साधना थी वो दिनों दिन मतलब दिन प्रतिदिन उनकी गहरी होती जा रही थी। आध्यात्मिकता के प्रति उनका झुकाव और बढ़ता ही जा रहा था। ठीक है, और साधना के दौरान ही उन्हें बहुत सारी विशेष अनुभूतियां होती थी जिन्हें अरविंद जी कई बार अपने शिष्यों के साथ उन्होंने इन चीजों को बताया भी है। तब उन्होंने कहा कि सांसारिक दुख का निवारण जो है वो केवल आत्मा के विकास से ही हो सकता है, ये उन्होंने महसूस किया। ठीक है, महर्षि अरविंद जी ने बताया कि योग से ही सुप्त चेतना का जागरण हो सकता है और योग के द्वारा व्यक्ति सामान्य जीवन को दिव्य जीवन बना सकता है, ये उनके कथन थे। ठीक है, आप सभी जानते हैं योग की महिमा क्या है। अगर व्यक्ति उसे कंटिन्यू करने लगे तो उसे दिव्य अनुभूतियां होने लगती हैं। वे अपने आप को और अच्छे से जान पाते हैं ना, आध्यात्मिकता की ओर उनका झुकाव और बढ़ने लगता है। तो वो वही बोल रहे हैं कि योग के माध्यम से जो हमारी सोई हुई चेतना है ना, जो हमारी सोई हुई शक्तियां हैं उनका जागरण हो सकता है यदि हम कंटिन्यू योग का अभ्यास करते हैं तो। और योग के द्वारा ही व्यक्ति जो है अपने सामान्य जीवन को दिव्य जीवन बना सकता है। आप लोगों ने खुद ही अनुभव किया होगा कि जब आप योग नहीं करते थे उससे पहले क्या थे और योग करने के बाद आप में और आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं, ये आप खुद ही महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वे योग के जो योग की जो महिमा है उसको बता रहे हैं जो उन्होंने अनुभव किया। फिर 5 दिसंबर 1950 ईस्वी को श्री अरविंद भौतिक शरीर को छोड़कर सदा के लिए पंच तत्व में विलीन हो गए। कब? 5 दिसंबर 1950 में। अरविंद जी के अंतिम दर्शन के लिए लाखों लोग उनकी मुक्ति यात्रा में शामिल हुए। साथ ही साथ जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने भी यौगिक दर्शन एवं स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान की प्रशंसा की थी। ठीक है, प्रधानमंत्री पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू जी और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी उनके अंतिम यात्रा में उन्होंने उनके योगदान की प्रशंसा की। ठीक है, क्लियर है। विपंच तत्व में विलीन कब हुए? 5 दिसंबर 1950 को, ये डेट आप लोग याद रखेंगे। और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अखबारों ने भी अरविंद जी की मृत्यु को देश के लिए बहुत बड़ी क्षति बताया था। क्लियर है जी? ये आ गए मीरा अलफस्सा जी के बारे में, जिनको हम श्री माँ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मीरा अलफस्सा जी को श्री माँ भी कहा जाता था। मीरा अपने पति पॉल रिचर्ड के साथ, ठीक है, पॉल रिचर्ड के साथ सन 1914 ईस्वी में पांडिचेरी अरविंद आश्रम में अध्यात्म एवं योग साधना के लिए पेरिस फ्रांस से भारत आई थी। ठीक है, कब? सन 1914 में अपने हस्बैंड के साथ आई थी पॉल रिचर्ड। ठीक है, किस लिए आई थी वे? अध्यात्म एवं योग साधना के लिए। इनका जन्म 21 फरवरी 1878 ईस्वी को पेरिस फ्रांस में हुआ था। ठीक है, और यहूदी धर्म की थी। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहे हैं? आप लोग अपने डाउट लिख लीजिए, लास्ट में पूछेगा। मीरा अलफस्सा जी जो थी वो यहूदी धर्म की थी लेकिन हिंदू धर्म की संस्कृति से वे बहुत प्रभावित थी। ठीक है, और श्री अरविंद जी मीरा जी को माता जी कहकर पुकारते थे। क्या कहकर? माता जी कहकर पुकारते थे। और महर्षि अरविंद के अनुयायी और आश्रम के लोग इन्हें श्री माँ कहकर पुकारते थे। ठीक है,
और इनका जो देहांत हुआ वो लिख लेंगे 17 नवंबर 1973 ईस्वी को 95 वर्ष की उम्र में पांडिचेरी आश्रम में इन्होंने अंतिम सांस ली। कब? 17 नवंबर 1973, 95 वर्ष की एज में। ये मैम मीरा अल्फासा ना मैम, ये 95 एज में हुई। हाँ मीरा अल्फासा, ये ऊपर जो हेडिंग है उसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये सही लिखा हुआ है मीरा अल्फासा। ठीक है, 1914 में ये भारत आई थी। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए अरविंद जी के पूर्ण योग के बारे में जान लेते हैं, इंटीग्रल योग के बारे में। पूर्ण योग को एकात्म योग, इंटीग्रल योग, अलौकिक योग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एकात्म योग, इंटीग्रल योग और अलौकिक योग के नाम से जाना जाता है। महर्षि अरविंद जी ने पूर्ण योग का विस्तृत विवेचन मासिक पत्रिका आर्य में किया था। हमने ये आगे देखा है पहले ही कि उन्होंने आर्य नाम की पत्रिका प्रतिपादित की थी, प्रकाशित की थी। ठीक है, उसमें पूर्ण योग का वर्णन किया गया है। इस पत्रिका में सिंथेसिस ऑफ योग शीर्षक से लगातार 6 वर्षों तक पूर्ण योग पर लेखमाला प्रकाशित होती रही है। ठीक है, जो पत्रिका प्रकाशित होती रही आर्य, उसमें योग के बारे में दिया गया था और उसका हेडिंग जो था, शीर्षक जो था, वो सिंथेसिस ऑफ योग के नाम से था। और ये कब तक प्रकाशित होती रही? 6 वर्षों तक लगातार। ठीक है, महर्षि अरविंद जी भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, कौन कौन से? भक्ति, राज, ज्ञान और ध्यान योग आदि के समरूप ऐसी योग विधि का प्रतिपादन किया जो मनुष्य को पूर्णत्व प्राप्त करता है, यानी पूर्णता प्रदान करता है। ठीक है, भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, इन सभी को मिलाकर ही पूर्ण योग कहा गया। ठीक है, श्री अरविंद जी का योग जो है वो व्यवहारिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों है। व्यवहारिक एवं मनोवैज्ञानिक। अरविंद जी का योग जो था वो व्यवहारिक एवं मनोवैज्ञानिक था, अर्थात वे कहते थे कि केवल पुस्तक पढ़ने से ही योग के हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, आप लोग बताइए, क्या केवल हम योग के बुक्स को पढ़कर ही योग के अंतिम लक्ष्य जो समाधि वगैरह होती है उसको प्राप्त कर सकते हैं? जब तक हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो चीजें हमें कैसे प्राप्त होगी? ठीक है, तो यही अरविंद जी का कहना था कि केवल बुक्स पढ़ने से ही योग के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। योग साधना के सिद्धांत सभी के लिए सामान्य हो सकते हैं, परंतु साधक उसको किस तरीके से, किस समय पर और किस अवस्था में उसका प्रैक्टिस कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, वो व्यक्ति के संस्कार, आत्मविकास और उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ये स्वामी जी का कहना था। ठीक है, कि केवल हम योग के पुस्तकों को पढ़ने से, अध्यात्म के पुस्तकों को पढ़ने से हम उसके लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते जब तक हम उसका अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक हम उसके नियमों का पालन नहीं करेंगे। ठीक है, उन्होंने अपनी योग पद्धति की 3 मूल अवस्थाएं बताई गई हैं, साधनाएं व अभ्यास बताया है उन्होंने। आगे देखते हैं, महर्षि अरविंद जी की पूर्ण योग पद्धति की 3 मूल साधनाएं अथवा अभ्यास हैं। अभिप्सा अर्थात अभिलाषा, दूसरा है परित्याग और तीसरा है आत्मोद्घाटन। इसको संधि विक्षित करेंगे तो आत्मोद्घाटन भी बोल सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से वो 3 चीजें हैं? अभिप्सा अर्थात अभिलाषा, इच्छा, परित्याग यानी कि त्याग की भावना होनी चाहिए, आत्मोद्घाटन अर्थात आत्मा का, चेतना का विकास। ठीक है, आत्मा को जागृत करना, जो सोई हुई अवस्था में है उस पर उसको जागृत करना, स्वयं को जानना। ठीक,
पूर्ण योग एक सर्वांग साधना प्रणाली है। पूर्ण योग जो है स्वामी जी की, वो एक सर्वांग साधना प्रणाली है जिसमें सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के मध्य सामंजस्य स्थापित होता है। यानी कि जो अरविंद जी की पूर्ण योग साधना है वो सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों के बीच बैलेंस स्थापित करती है। ठीक है, बैलेंस कैसे करना है उस चीज को उसमें बताया गया है। पूर्ण योग में पूर्ण शब्द यह सूचित करता है कि यह योग मानव को पूर्णत्व प्राप्त करता है। ठीक है, अर्थात मानव को महामानव बनाता है। ठीक है, जब हम योग करना स्टार्ट करेंगे, जब पूर्ण योग प्रारंभ करेंगे, है ना, जब हम उसके गुणों को जानेंगे, उसके तत्वों को पहचानेंगे, ठीक है, तो वो मानव को किस में परिवर्तित कर देता है, महामानव में परिवर्तित कर देता है। यह आत्मा के भीतर जीवन को पूर्णत्व प्रदान करता है और उसे सार्थक बनाता है। ठीक है, जैसे जैसे आप योग के रहस्य को जानते जाएंगे, जैसे जैसे आप अपने चेतना को बढ़ाते जाएंगे, है ना, अपने ज्ञान को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे और आपका जीवन ऑटोमेटिकली सुधरते जाएगा और वो सार्थक सिद्ध होगा। ठीक है, ये स्वामी जी का कहना था। क्लियर है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री अरविंद जी के प्रमुख शिष्य कौन कौन थे ये जान लेते हैं। उनके प्रमुख शिष्यों में रहे हैं एन के गुप्ता, अमल किरण, निरोध बरन, पवित्रा, ए बी पुरानी, डी के रॉय, सतप्रेम, इंद्रसेन, चंपकलाल, और एक और ऐड कर लेंगे आप लोग, श्रीमान मीर अल्फस्सा, मीरा अल्फस्सा। ठीक है, कौन कौन थे? एन के गुप्ता, अमल किरण, निरोध वरल, ए बी पुरानी, डी के रॉय, सतप्रेम, इंद्रसेन, चंपकलाल, और एक और ऐड कर लेंगे, मीरा अल्फस्सा, श्रीमान के नाम से जो कि जानी जाती थी। ठीक है, चलिए उनके प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं ये देख लेते हैं हम। श्री अरविंद जी ने अंग्रेजी, हिंदी और बांग्ला तीनों भाषाओं में लेखन कार्य किया। कौन कौन से? अंग्रेजी, हिंदी और बांग्ला में। श्री अरविंद जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, जिसमें से प्रमुख है द लाइफ डिवाइन, द सीक्रेट ऑफ द वेदास, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, द सिंथेसिस ऑफ योगा, ठीक है, द ह्यूमन साइकिल, द डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर, एसे ऑन द गीता, द साइकोलॉजी ऑफ सोशल डेवलपमेंट, सावित्री, महाकाव्य, लेटर्स ऑन योगा। ठीक है, और एक ये रह गया द फ्यूचर पोएट्री। कौन कौन से? द लाइफ डिवाइन, द सीक्रेट ऑफ द वेदास, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, द सिंथेसिस ऑफ योगा, द फ्यूचर पोएट्री, द ह्यूमन साइकिल, द डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर, एसे ऑन द गीता, द साइकोलॉजी ऑफ सोशल डेवलपमेंट, सावित्री, महाकाव्य और लेटर्स ऑन योग। 11 रचनाएं ये आप लोग देख लेंगे एक नजर में और इसे याद रखेंगे। मैम इससे पहले क्या थे? मैम प्रमुख रचनाएं ही थे ना स्लाइड? हाँ, वो सारी जो थी हमने पत्रिकाएं देखी, कौन कौन से पत्र प्रकाशित हुए थे। ठीक है जी, कर्म योगिनी जो कि अंग्रेजी भाषा की पत्रिकाएं थी, है ना, और धर्म था जो बंगाली भाषा में था, उसके अतिरिक्त बांग्ला पत्रिका था सुप्रभात। ठीक है, उसके अलावा आर्य था, आर्य का ही शीर्षक था ये द सिंथेसिस ऑफ योगा, है ना। चलिए ठीक है, क्लियर है मैम। ये योग पद्धति की तीन मूल साधनाएं, वो जो स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स है ना, वो दोबारा से बता दीजिए। जो उनकी साधनाएं के जो साधना के जो वो थे पूर्ण योग का ना। हाँ जी मैम। हाँ, अभिप्सा अर्थात अभिलाषा लिख लेंगे,
दूसरा है लेकिन फिर क्या। परित्याग और तीसरा है आत्मोद्घाटन। एक डाउट है, जैसे स्लाइड में लिखा है कि सुप्रभात जो है पत्रिका, उसमें अरविंद जी राइटिंग दे रहे थे, अपना राइटिंग वहाँ पे पब्लिश हो रहा था, तो वहाँ पे राइटिंग दे रहे थे ना, वो सुप्रभात जो पत्रिका है वो उनसे ही शुरू हुआ है। स्लाइड में तो लिखा है वो राइटिंग दे रहे थे, आप बोल रहे कि वो फाउंडर है पत्रिका का, तो थोड़ा कंफ्यूजन है। हाँ, उन्होंने वो लिखा है, सुप्रभात उन्होंने लिखा है, ठीक वो है। पत्रिका का फाउंडर वो है। सुप्रभात में लेख लिखे हैं मैम, ऐसा है, बंगाली पत्रिका सुप्रभात में लेख लिखा है, उनमें आर्टिकल लिखा है उन्होंने। हाँ, आर्टिकल लिखा, वही मैं भी बोल रही हूँ, आर्टिकल उन्होंने लिखा है। पब्लिश किसी और ने किया होगा, उन्होंने उसमें अपना लेख दिया है, ठीक है। मैम वंदे भारत, वंदे मातरम नामक एक ये था, साप्ताहिक था, उसके वो सह संपादक थे, लेकिन इसका पूरा संपादन का काम उन्हीं का ही था। मैम एक बार वो लास्ट वाली स्लाइड दिखा देंगे। हाँ जी, बोल रही हूँ। हाँ जी मैम, रचना और पत्रिका में क्या डिफरेंस है? रचनाएं जो उन्होंने की वो क्या एक बुक थी वो लिखी थी, या और जो पत्रिकाएं हैं वो आर्टिकल्स हैं, या पूरा न्यूज़पेपर या मैगजीन, इसको किसको कहते हैं पत्रिका? न्यूज़पेपर के जैसे कि मैगजीन होता है ना, वैसी पत्रिका ही होता है, ठीक है। तो पत्रिका में उन्होंने, जब वो जेल में थे ना, तो वो आर्टिकल लीक कर देते थे, ठीक है, उसे पब्लिश कोई और करता था। ओके ओके, तो पत्रिका हो गया आर्टिकल, अब न्यूज़पेपर में हो या मैगजीन में हो किसी में भी हो, जब वो बेसिकली वो आर्टिकल है। और हाँ, रचनाएं, रचनाएं क्या था? अच्छा, पर्टिकुलर वो उनका बुक है। उनकी बुक ही है ना? ठीक हाँ, है ठीक जी, है। और थैंक यू मैम जी। एक आप क्या बोल रहे थे, इसका वंदे वंदे मातरम पत्रिका का प्रकाशन के बारे में कुछ बोल रहे थे। कुछ हाँ बोल मैम, रहे थे? हाँ हाँ मैंने बोल रहा था, जब उन्होंने सयाजी गायकवाड़ के यहाँ पे जब ये शुरू किया था, मतलब इस्तीफा दिया था उनके बड़ोदरा के जो डायनेस्टी थी वहां से, और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता में जब भाग लिया था, तो वो जो आंदोलन था 1906 का, तो उसको बंग बंग कहते थे, और वो बंग बंग को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने वंदे मातरम नामक एक साप्ताहिक निकाला था, तो उसके वो सह संपादक थे। हाँ। अच्छा, ठीक है मैम, एक बार पत्रिका वाली स्लाइड एक बार दिखा देंगे। हाँ, परिका जी, आप जो है रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए, ताकि और जो डाउट्स हैं वो पूछ लें। पत्रिका वाला बोला आपने ना? एक ये है,